अच्छा, इसी तरह की एक रेमेडी मैं और बता रही हूँ कि आपने आपके पिगमेंटेशन हो जाते हैं, फेस पे हो जाए या आपकी स्किन पे कोई बर्निंग का निशान आ जाए, ख़ास तौर पे सूरज की जो उससे आता है, उसके लिए आपने करना क्या है, ये कॉफ़ी ले रहे हैं, कॉफ़ी को स्प्रिंगल करेंगे। आई थिंक मैं इससे कर लेती हूँ, इसी तरह जैसे मैंने लेमन पे उस तरह शुगर डाली थी, इस तरह मैं लेमन पे कॉफ़ी रख रही हूँ। इसी तरह हम इसको सोक करेंगे। अच्छा, इसका क्या तरीक़ेकार होगा, इसको पूरा सोक करना होगा, ये स्क्रब की फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि हम ये फेस पे लगाएंगे, तो इसको थोड़ा सा, बल्कि मैं इसमें ऐसा करती हूँ, लेमन को स्क्वीज कर लेती हूँ ताकि हमारे पास ये एक पेस्ट बन जाए और उसके बाद फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए लेमन एंड कॉफ़ी का जब पेस्ट बन जाएगा, ये आपने फेस पे मास्क की तरह अप्लाई कर लेना है। ठीक है। अच्छा, ख़ास तौर पे वो एरियाज जो पिगमेंटेड एरियाज होते हैं, जब आप कहते हैं ना कि छाइयाँ जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई छाइयाँ पड़ जाती हैं आपके आपके ये वाले, ये चीज़ जो होती है इधर ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक निशान पड़ जाते हैं, तो ये अगर आप लगा के तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रख देंगे और उसके बाद आप इसे वॉश करेंगे, तो ये आपने हफ्ते में 2 दफ़ा करना है। इससे आप देखिएगा कि आपकी छाइयाँ लाइट नहीं होंगी, आपकी छाइयाँ ब्रस्ट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा। ब्रस्ट होके ही ख़त्म होती हैं ये, जो छाइयाँ लाइट होना शुरू जाती हैं इट मीन्स के किसी चीज़ में स्टेरॉइड है। ठीक है। स्टेरॉइड के बगैर अगर आपने काम करना है तो फिर आप इस तरह करेंगे, वो ब्रस्ट होना शुरू होंगी और आहिस्ता आहिस्ता वो फैल के ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह छाइयाँ ख़त्म करेंगे हम। बाकी ये चीज़ें हैं कि घर में जितनी चीज़ें आपके पास पड़ी होती हैं अवेयर करें। हाँ, दूसरी एक चीज़ मैं बता रही हूँ, हमेशा मैं कहती हूँ कि दूध में अगर आप ज़ाफ़रान डाल के पियेंगे, कोई चीज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन। दूध में आपने ये ज़ाफ़रान 2 से 3 पत्तियाँ डाल के गर्म करके अच्छी तरह ये पी लेना, आप देखिएगा बॉडी का कलर आपका एनहांस होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और एक और चीज़ है कि इसमें प्लीज चीनी मत मिलाइएगा, चीनी से जितना दूर रहे, चीनी से दूर है ना, शुगर से हमें दूर रहना चाहिए। गुड़ खाएं, मैं कहती हूँ अगर मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो आप गुड़ खाइए, क्योंकि बचपन में हम गुड़ की जो चाय पीते थे उसका टेस्ट नो डाउट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन गुड़ की चाय से आपकी बॉडी को सेहत मिलेगी। कहते हैं कि बिल्ली शेर को सब सिखाती है लेकिन दरख पे चढ़ना नहीं सिखाती। बिल्कुल। तो अपनी ब्यूटी के लिए जो करती होंगी आप, एक चीज हमें तो कुछ तो छुपाती होंगी आप बताएं। मेरी कोई चीज छुपी हुई नहीं है। हाँ। सच देखिए, एक तो कुदरत की तरफ से भी बहुत सारी चीज होती है, मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं हूँ कि मुझे नाइट क्रीम लगानी है या मुझे डे क्रीम लगानी है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, खसूसी तौर पर मैं बताऊंगी कि फेस की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आई थिंक एक्सरसाइज वैसे पूरी बॉडी के लिए जरूरी है, फेस एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खवातीन आजाद, वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद।